गुरु से निहलाने तू उनको ही रे जाने, सतगुरु से निहलाने तू उनको ही रे जाने, आए हैं आए हैं आए हैं तारन आए हैं आए आए हैं तारन सतगुरु से निहलाने तू उनको ही रे जाने, सतगुरु से निहलाने तू उनको ही रे जाने, आए हैं आए आए हैं तारन आए हैं आए हैं आए हैं तारन दुनिया की प्रीत का तजने आधार तू अपने प्रभु का पाले सच्चा प्यार तू दुनिया की प्रीत का तजने आधार तू अपने प्रभु का पाले सच्चा प्यार तू छोड़ सब जमेले सतगुरु की शरण ले ले तू छोड़ सब जमेले सतगुरु की शरण ले ले आए हैं आए हैं आए हैं तारन आए हैं आए हैं आए हैं तारन सतगुरु से ने लगा ले तू उनको ही रे जाने सतगुरु से ने लगा ले तू उनको ही रे जाने आए हैं आए हैं आए हैं तारन आए हैं आए हैं आए हैं तारन अपनी पहचान सतगुरु आप है कराते अपनी पहचान सतगुरु आप है कराते दासों का दास अपने सेवक को बनाते दासों का दास अपने सेवक को बनाते तू छोड़ सब जमेले सतगुरु की शरण लेने कर दिल का शीशा साफ जपा के अजपा जाप कर दिल का शीशा साफ जपा के अजपा जाप आए हैं आए हैं आए हैं तारन आए हैं आए हैं तारन सतगुरु से निहलाने ले तू उनको ही रे जाने सतगुरु से निहलाने ले तू उनको ही रे जाने आए हैं आए हैं आए हैं तारन आए हैं आए हैं तारन सतगुरु के चरणों में आई सच्ची खुशियां होती है प्राप्त उनके दर्शन से अंगियां सतगुरु के चरणों में आई सच्ची खुशियां होती है उनके दर्शन से अखियां लगा
के गुरु से लागन, ओ गुरु भक्ति में मागन, लगा के गुरु से लागन, ओ गुरु भक्ति में मागन, आए हैं आए हैं आए हैं तारण आए हैं आए हैं आए हैं तारण सतगुरु से मिला ले तू उनको ही रे जाले सतगुरु से मिला ले तू उनको ही रे जाले आए हैं आए हैं तारण आए हैं आए हैं आए हैं तारण भगवान से मेल लगाने का अर्थ ही है कि उनके ही हो जाए दिल का शीशा ही तो गंदा है जिसमें जब शीशे में कुछ लगा होता है कालिक या कोई और धूल जम जाती है तो अपना अक्ष दिखाई नहीं देता है अपना ही चेहरा नजर आना बंद हो जाता है काला काला वो शीशा दिखता है धूल दूसरे तो शीशा दिखता है तो बोले अपना अक्ष देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना है सिर्फ शीशा साफ कर लेना धूल हटा देना शीशे की तब दिखने लगेगा अपना स्वरूप ऐसा हम लोगों के मन पे ही तो धूल जमी पड़ी है विचारों की जो धूल जम गई है मोह की धूल जम गई है मैं मेरे की धूल जम गई बस इसी को तो गुरु जी साफ करना साथ करना चाहिए भक्तों के साथ करने से हम जो लोग बड़े अभिमान में आ जाते हैं हम सोचते हैं हम बड़ा ज्ञानी हो गए कुछ हो गए प्रेमी हो गए अब हमें जरूरत नहीं है ना सत्संग की है ना सत्संगियों की जरूरत है भक्तों की भक्त हमारी भक्ति से जरूरत तो किसी की भक्ति नहीं है जब आप भक्तों का साथ करो तो एक एक की भक्ति के आगे सर नमन होता है देख के आप देखने वाला काम हमेशा करेंगे देख लेकिन क्या देख रहे हैं तो देखने वाला काम ही तो गुरु जी ने कहा देखना हो तो मन के स्वरूप को देखो देखो कितना लालची है कितना लोभी है कितना मोही है कितना अहंकारी है हम लोग बहुत बड़े बोले बड़े ऊंचे दरबार में बैठे हुए हैं जहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलन आत्मा से आत्मा का मिलन ये यहाँ का उद्देश्य है लेकिन हम आत्मा शरीर को ही मान लेते तो बोले उसमें क्या हो रहा है कि हम और ज्यादा तकलीफ में आ रहे हैं जितना हमें मिल रहा है वो सब हमें कम लग रहा है माया में और धस रहे हैं माया से निकल नहीं रहे बोले जन्म जन्म से इसी मन ने ही तो दुखी कर रखा है इसी माया ने के कारण तो दुखी है क्योंकि हमने अपनी ही आत्मा को हमने अपने शरीर में मान लिया है उसको बिठा दिया है बसा लिया है नस नस में कि मैं अलाना फलानी हूँ अब बोले गुरु क्या कर रहा है गुरु निकाल रहा है गुरु अपना जोर लगाता है हम अपनी मैं गौर पक्का करने में लगे रहते हैं तो बोले किचन तान में क्या हो रहा है टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं तो टूट जाने से तो बेहतर है कि झुक जाए तो पा जाएंगे झुकना किसमें है देखने वाले मन कभी नहीं ठीक होगा मन तो यही है ही है जो हमने अपने 5 फुट के शरीर में अपने आप को मान के रखा हुआ है मैं फलाना मैं फलानी
बोले इसी से तो निकालता है गुरु, कहता तुम फलानी फलाना नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जानते नहीं है, मानते हैं। गुरु के विचार से मानने लगे। फिर गुरु के विचार पे चलते चलते धीरे धीरे गुरु जी ने हम लोगों को दर्शन कराया कि देखो तुम्हारी तुम्हारी ही आत्मा, तुमने ही अपनी आत्मा को इस शरीर में कैद कर रखा है, जिस शरीर के साथ बसना बांध लिया है कि बोले इतना मजबूत धागा हो गया है, इतनी जड़ चेतन की गांठ इतनी गहरी पड़ी है कि खुलाए नहीं खुलती है, अपने आप तो खुल सकती नहीं है, गुरु खोलना खोलने के लिए तत्पर रहता है, तो हम गुरु के साथ खोलने के लिए तत्पर नहीं है, हम गांठ बांध लेते हैं, जितनी वो खोलता है उतनी हम जोर से और बांध लेते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, अच्छे कर्म के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं, अपने दान पुण्य के माध्यम से हम अपनी मैस से जुड़ जाते हैं। त्याग के पीछे जरूर सोचना चाहिए कि चाहत क्या है। त्याग तो हम कर रहे हैं हर चीज का, जैसे स्वर्ग बोले स्वर्ग में बहुत सब फ्री है, बड़े आराम से शराब के चश्मे बहेंगे, आराम से पीते रहो, अप्सराएं नृत्य करती रहेंगी, सारे स्वर्ग के सुख व्यक्ति चाहता है, मन ही रुक जाता है, वो इसलिए यहाँ त्याग कर रहा है कि हमें स्वर्ग में ये सब मिलेगा बिना डर भय के, लेकिन उसके बाद क्या होगा, पुण्य छीन होंगे तो फिर बोले नरक में आ जाएंगे, तो स्वर्ग नरक से ऊपर कौन उठाता है, गुरु। वो कहता है कि तुम इससे भी ऊपर के अधिकारी हो, शरीर के भोग भोग भोगने के बाद भी क्या हम तुम कभी भी तृप्त हुए, क्या हमारी आशा खत्म हुई, क्या हमारी इच्छाएं तृप्त हुई, इस इंद्रियों के द्वारा इसको कितना तृप्त करने की हम लोगों ने कोशिश करी, लेकिन कभी तृप्त नहीं हुए। लेकिन जब से गुरु जी मिले उन्होंने कहा कि मेरे विचार को अपना के अपने जीवन में मेरे में मिलना सीखो, जैसे जैसे उनके विचार में मिलने लगे तो अपने ही बंधन से मुक्त होने लगे। सतगुरु की जरूरत ही है ये, और कौन हमको निकाल सकता है, जो बना हुआ है वो हमें निकालेगा, वो तो अटका देता है, जितने पंडित हैं जितने ज्योतिषी हैं सब अटकाए पड़े हैं, बड़े बड़े संत भी उनको अटका देते हैं, ये ऐसा करो तो ये मिलेगा, ऐसा करो तो ये मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, जो जो भी मिलेगा बाहर का वो सब तो नष्ट होने वाला ही मिलेगा ना, स्थाई वाला तो नहीं मिलेगा ना, बदल देंगे स्थिति तुम्हारी, भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहा है, ये विचार मन में कैसे आता है, किसको आता है, उसी को आता है जो माया के प्रलोभन में ही है और जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है और जितना है उसमें तकलीफ का कारण क्या है, हमारी अपनी मनमानी, हमारी आसक्तियां, हमारी इच्छाएं, हमारी एम्बिशंस, सब वही सब तो हमारे तकलीफ का कारण हुआ है। तो बोले क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस भगवान में देखना सीखना है कि हर हाल में वो हमारे साथ हैं, चिल्ला रहे हैं, कौन सा मन को कौन सा दुख है, दैहिक कि दैविक कि भौतिक, कौन सा अभाव है, जरूर देखना,
कैसे भी हम लोग हैं, चाहे जैसा भक्त है, हम उनके हैं तो उन्होंने हमें संभाला हुआ। क्या ये है सत्य क्या नहीं, हम चाहे कैसे भी हैं उसके बाद भी वो हमें पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं। हमें हमारे हिसाब से आज भी दे रहे हैं, लेकिन हमें एक सत्य से जरूर परिचय हमारा करा रहे हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, फिर भी हम तुम खाली रहेंगे, क्योंकि हम बहिर्मुखता में ही भटक रहे, बाहरी बाहर भटक रहे, भव के बंधनों में भटक भटक, भव के बंधनों में कबहु न शांत रहो, कबहु हंसयो कबहु रोयो, एविध जीवन गयो। कभी हंसते हैं मनमाना हो जाता है, तो कभी रोने लगते हैं मनमाना नहीं होता, लेकिन भक्त ऐसे नहीं। भक्त तो क्या करते हैं, हाल में शुक्राने में रहते हैं। क्यों, अब तो दोनों हाथ में लड्डू है, तू दे दे तो सही, तू ना दे तो भी सही, क्योंकि तुझे मालूम है कि क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे लिए। तू जहाँ चाहे बैठा दे, जहाँ चाहे उठा दे, क्योंकि तुझे मालूम है मेरी किसको भलाई है। भजन गा लेने से सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, काम नहीं बनता है। इस भजन के अनुभव में लाने से अंदर का खजाने मिलते हैं, अंदर के खजाने तब मिलते हैं, इसका अनुभव तो करें। हमने सौंपा कहा है बार, हम लोग चल रहे हैं, बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, चलते फिर गिरते फिर उठते हैं, ये हो रहा, लेकिन हम पहुंच गए हो ऐसा नहीं है। इसीलिए भक्त है हम, क्योंकि हमें गिरना याद आ जाता है कि देखो हम फिर कहाँ गिर गए, मोह की नींद में सो गए फिर से। मोह की नींद क्या है, मैं फलाना मैं फलानी, सोना नहीं। गुरु जी ने हमेशा कहा मन कुत्ते की पूंछ है, पकड़े रहोगी तो सीधी रहेगी, छोड़ दोगी तो फिर अपनी अवस्था में आके बोले यही करने लगेगी झगड़ा मैं। तो गुरु जी के विचार को तो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को तो मान रहे हैं, और किसको मान रहे हैं, ज्ञान तो उन्हीं का है, हमारा आपका तो है नहीं, उन्हीं का ज्ञान है। तो उन्हीं को सब में देख देख के बोले राग द्वेष से कब हटेंगे, जब मैं तू से हटेंगे, मैं मेरी से हटेंगे, मैं तू का झगड़ा रख के तो राग और द्वेष तो होने ही होना है, अच्छा बुरा तो होने ही होना है, सही गलत भी होने ही होना है, कि मैं गलत फलाना सही, मैं सही फलाना गलत, ये सब तो कर नहीं करना है। पिता का ज्ञान, गुरु जी का ज्ञान क्या है, कितने जन्मों तक करेंगे पाप जो हम तुम कर रहे हैं, मेरा तेरा, मैं मेरा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटे का भेद कैसे मिटेगा, इसका आंसर नहीं। बड़े छोटे का भेद कैसे मिटेगा, आंसर देना कोई। जब हम सबने उस ईश्वर को, उस प्रभु को, अपने गुरु को देखेंगे तो सब बराबर, छोटा कोई बड़ा लगे कैसे बराबर, देखते तो नहीं है बराबर, क्योंकि है नहीं बराबर। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गंवार है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बड़े बड़े है। जैसे
देह के तल पे तो है ये छोटा बड़ा, इन आत्मिक तल पे मन करके हम सब एक से है, आत्मा के तल पे एक से, दोनों में अलग बात है। मन करके देखो न मैं अच्छी ना वो अच्छा, आत्मा के तल पे मैं भी अच्छी हूँ वो भी अच्छा, लेकिन इसका धीरे धीरे भेद मिलता है। अभ्यास गुरु के हिसाब से होता है, गुरु के वचन पे चल के ही अभ्यास। अभ्यास तो अपने विचार से बुद्धि से होता है तो फिर उसी में अटके रहेंगे। अभ्यास अगर गुरु के विचार से ना करे, आज तक टाइम लग रहा, आज भी कोई घटना कम घटती है तो उसमें कैसे कैसे विचार आते जी, तो विचार इतना गंदा विचार। अभी आपको 2-3 दिन पहले बताया मन में इतना क्रोध आ रहा है, इतना अपशब्द बोलने जा रहे थे है? लेकिन आपने 2 सेकंड में झाड़ दिया मन को तुरंत, क्योंकि मन ये सच्चाई है, चलते चलते मन बहुत ज्यादा फिसलता है। अगर आपको ना बताए तो कसम से जाने कितनी बार तो कर चुके थे। ये तो कृपा है कि आपको बोल दिया अपना मन, कि मन में इतना कुछ हो रहा है, ऐसा करने को जी चाह रहा है। मन को काम बनता है ना, 1 सेकंड हमने मन बोल दिया, देख लिया, काम बन गया नहीं, चलना पड़ता था। आपको अपनी अपने विचार को, आपको वाणी साधनी पड़ती है, वाणी को रोकना पड़ता है जी 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 जी, चाहे जो इंद्रियों जिस समय में कभी वाणी चपल होती है, कभी आँख, कभी हाथ पांव होते हैं सब, तो बोले हम कहाँ रोकते हैं, सही और गलत से हम पट से बोलने लगते हैं। तो हमारे अंदर मेरा तेरा ही, मेरे अंदर ही तो भेद है, भेद जब तक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के। अरे हम लोग जिस तत्व की खोज में हैं सच में, उसको प्रकट करने के लिए तो फिर क्या है, हमें पल पल में गुरु के विचार को अपना के उसका प्रयोग करना चाहिए। अभी हम गए थे वहां, तो हमने पहले एक ज्ञान दिया कि भगवान प्रकट करो इसमें है, तुम इसमें नाम रूप क्यों देखते रहते हो, तुम्हें भगवान अपने गुरु जी को प्रकट करके सामने वाले को उस अच्छा समझो, कितना दिखता है, कैसा भी है, तुम्हारा तो दुख होता है ना क्योंकि तुम्हारा रिश्ता है उससे, तो तुम क्या करो, ऐसा करो, हमने ऐसा उसको बोला। और उसके बाद 2 सेकंड बाद भजन गाते गाते हमने उसका संत प्रयोग करा, तो बुलाने के लिए बुला रहे हैं वो नहीं आ रहा है किसी से, लेकिन सिर्फ उसी ज्ञान का प्रयोग किया तो, और बस जैसे बस आंख मिली हो जाने कैसे हो तुम ही तो, और बस करके जब तुम हो तो इसके शरीर की अवस्था से हमारा क्या मतलब, या ये कैसा है हमें क्या आती, तो तुम मुझे तो तुम देखना है, तुम्हें देखना है। वो बच्चा जो बात मान लिया था तुरंत 1 सेकंड में आ गया। तो प्रयोग हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, हम तो नाम रूप का प्रयोग कर रहे हैं रात दिन बैठ के, क्या हमको भी नाम रूप है। अभी रात से की घटना है, कल दोपहर से शुरू हुई थी, हमें सर्वे पे जाना था तो मैडम लोगों को रिटर्न में दिया, तो उन्होंने क्या चालाकी चली, जो भी एक साइन ऐसे मार दिए ताकि कल को कोई स्थिति आए तो कह दे ये साइन हमारे है ही नहीं सर, अब बच जाएंगी, हम झूठे साबित हो जाएंगे। हम मौन हो गए, हमने दोबारा भेजा रजिस्टर, हमने कहा सर में सर को भेजना, कब साइन सही होके आ गए, कोई बात नहीं। अब क्या लगा, अब जब कल सर्वे पे गए ठाका मार के हंस रही थी, लौट के हंस रही होंगी, अपना कोई कागज होगा इनका, कोई बात नहीं। अब देखने में कल से स्थिति ये लग रही थी, जो व्यवहार हो रहा था चल तो कई दिन से रहा, लेकिन कल मन को सोचने लगे आखिर कौन है इसमें भी, है तो मेरा परमात्मा ही, तो इसका व्यवहार जो मुझे इसके प्रति प्रेम रखना है, बस बार बार इस मन को यही समझाया। और फिर दोनों मैडम अपने आप चली गई सर्वे पे, बोलना ही नहीं पड़ा मुझे तो, लेकिन मन को अपना ही समझाया, उलझन तो मेरा चला गया था नाम रूप देख के। आई तो मुझे दे रहा है ना, क्योंकि दिखाई तो मुझे दे रहा है ना, जब तुम्हें दिख रहा है कि ये मेरे ऊपर हंस रही है तो सोच तो तुम्हारी चल रही है ना नाम रूप की, नाम रूप में बैठ के नाम रूप से सोच रहा। तो बोले अरे यहाँ तो
भक्तों के चरित्र अगर पढ़े हो तो उसमें तो सच सच में कर रहे होते, कोई ये नहीं कि सोच रहे हैं कि हमारी गली उड़ा रहे, सामने सामने की उड़ रही है, सामने सामने टॉन्ट दे रहा है, सामने सामने गलत व्यवहार हो रहा है। उसके बाद भी ज्ञान गुरु जी का क्या कहता है कि तुम भगवान, तुम उसमें अपना परमात्मा प्रकट करके विपरीतता में, अनुकूलता में तो हम प्रकट कर लेते हैं, तुम भी प्रकट कर लेते, विपरीतता में मौन रहना बड़ा कर अपने ही कुटुंब क्षेत्र की बात है। ज्ञान तो है गीता का, गुरु जी का, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र सबका अलग अलग है, वहीं पे उसको प्रकट करना है, उसकी कितना आपद होती है, फलानी ऐसे कर रही है, ये तो भी उसको सोच, वो जब कर ही रही है वो पता नहीं क्यों हंस रही है, कहीं कहीं तो डायरेक्ट टॉन्ट मिलता है, डायरेक्ट एक एक मिनट में हर्ट करा जा रहा है। उसके बाद भी गुरु जी ने कहा कि परमात्मा है अपना मुंह का, तब क्या करो तुम्हारा ही मुंह। हमारे साथ ये होता है जैसे समय तो विचार चलता ही चलता रहेगा, ये सबसे चाहिए। मैं उस पर जैसे कोई हंस रहा, कोई कमेंट कर रहा, उसमें भगवान नहीं देख पाती, मौन तो रहते कृपा है, लेकिन कुछ देर तो चलता ना, हम रुक तक भगवान नहीं देख पाते, बाद में तो आने जैसे करके भगवान है, भगवान करके मन को बदला सकते हैं। अभी तो ये स्थिति है, अभ्यास ही तो हम लोग करना है। अभ्यास में दूसरा है ना, हमारे लिए तो अभ्यास है विपुलता जो है, हमें तो अपना शॉर्ट ऑफ करना है, रीटेक जीवन में बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपना थॉट अभी उस डायरेक्टर परमात्मा के गुरु के हिसाब से ओके नहीं किया, विचार नहीं अंदर में ये सत्य प्रकट नहीं किया कि इधर भी तू ही है, अगर इधर तू है तो उधर भी तू ही है, अगर मैं आत्मा हूं तो तू परमात्मा दूसरा कहां, हमने पर दूसरी आत्मा कहते हैं ना, पर को कहते हैं दूसरा, दूसरी आत्मा उधर, तो हम ही तो नाम रूप करके रहे, तो हम ही तो गड़बड़ लग रहा है, अंतर परमात्मा को लाभ ले, नाम रूप प्रकट करके नाम रूप में रहेंगे तो लाभ होने वाला नहीं है, लाभ तो लाभ आने की चिंता प्रारब्ध में होगा, कोटे का हिसाब से वो मिल जाएगा। अगर कुछ मरना चाहे दाना खाक मिला, मैं का छोटा सा नहीं खाक मिलाना है, मैं और मैं को कैसे मिलाना है, बना नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, मिटाना नहीं है, मैं का स्थान बदलना है, शुरू कर लेना है। मेरे गुरु ने अभी आप जब ध्यान दे रही एकदम विचार नहीं, आप जागा मन कि देखो मेरे अंदर जो विचारों को मन में घूम घूम रहती है समय, वो यही चल रही है कि नाम रूप देख रहा है, भाई विचार क्या नाम रूप देख के तो चलते हैं, तो अभी एहसास हुआ कि आखिर इतने विचार क्यों चलते रहते हैं, क्योंकि नाम रूप देख रहे हैं और देखने में मुंह बंद है तो क्या हो गया, मुझे अंदर मशीन तो काम कर रही है ना, चल रही है, बड़बड़ गड़बड़ कर रही है वो अंदर में, तो फिर कुछ बात कहता है तो सुनाई नहीं देती, वो इसीलिए नहीं देती है, नाम रूप का चिंतन है, इसलिए क्या करना चाहिए, साथ करे तो क्या करे, साथ में अपनी हस्ती को गुरु की हस्ती के साथ विलीन करके, अभ्यास है यही से पड़ता है, भक्तों के साथ रहे तो अपनी हस्ती को ना करके जरा मिलके देखो क्या मिलता है, ऐसा खजाने मिलेंगे, अंदर के खजाने, बाहर के खजाने सुनना तुम सब तो है कितने, और कितना इस चमड़ी को खिला भी डाला, इस चमड़ी को कितना इसके द्वारा इतना सब कुछ अंदर पहुंचाया, लेकिन क्या तृप्त हो गए अब लोग, चाहे देखा कितना, चाहे छुआ कितना, आनंद लिया है, लेकिन उसके बाद भी क्या तृप्त हुए हम लोग नहीं होता, थोड़ा सा गुरु जी के साथ रहकर अपना अभ्यास, भक्तों के साथ रहकर अपना अभ्यास करें, अभ्यास तो हम पहले ज्ञान की हम बात करते हैं, लेकिन अभ्यास में तो हम फेल होते हैं, अपनी हस्ती बनाकर रखना चाहते हैं, बताते कहाँ है गुरु की,
जिसम से तो एकता हो नहीं सकती, विचार से एकता को एकता कहते हैं। तो विचार किस किससे मिलाने हैं हम लोगों को, तो के विचार में विचार करके रहना है, करना पड़ेगा ना अपना, हमने किया तो भागवत एक है कहानी कि एक भक्त था, उसका गुरु था, भक्त की चाह थी कि हमें जो है ना स्वर्ग से शरीर भेज देना। जो गुरु था वो भी बड़े अहंकार में, हाँ तुम्हें सब शरीर भेजेंगे स्वर्ग, कहानी है ये भागवत की है। तो उसने क्या हुआ, बीच में ही लटका रह गया, क्योंकि प्रावधान नहीं है शरीर लेके जाने का कहीं, ये तो चोला है यहाँ इस मिलाई इसीलिए है कि इस मशीन से गाड़ी हर तरफ जाती है, उधर्व गति को भी जा सकते हैं और अधो गति में भी जा सकते हैं। अधो गति है क्या, ये पशु पक्षी बन के कीट पतंगा बन जाना, बोले जानवर की योनि में भी जा सकते हैं अपनी आसक्तियों के, अपने भोग की इच्छाओं के कारण, जैसा भोग की इच्छा है जैसा भोग भोगने की इच्छा है। सुअर बन जाएंगे, शरीर को चाटते रहेंगे, अपने बच्चों को चाटता रहता है, 10-10 बच्चे पैदा करके। तो बोले ये तो सब बस उस अधोगति में भी जा सकते हैं, मनुष्य जन्म ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये वाहन है, ये मशीन है, बोल रही है ना मन मशीनरी काम करती रहती है, तो ये मशीनरी इसीलिए मिली है कि इसके द्वारा हम तुम उस अपने अंदर में जो परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, उससे मिलन कर ले। लेकिन अकल ना मेरे पास ना तेरे पास, जो प्रकट करे है उसके पास ही है, तो हमें तुम्हें क्या करना है, हमें उसके साथ करके, उसके विचार से उसका साथ करके, अपनी बुद्धि के विचार को, अपनी बुद्धि को ही सरेंडर करना है। बड़ा छोटा सा काम है, अन्यथा कोई झगड़ा नहीं है। अगर बुद्धि का सरेंडर है, भेद जब तक है बुद्धि में तब तक काम नहीं बनता है, तो भेद ही तो मिटाना है। जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, विचार हो ना, अभ्यास में हाँ टाइम लगता है, अभ्यास हम करते हैं फेल होते हैं पास होते हैं, ये होता है बहुत होता है। तो इसलिए अभ्यास को सही मान के झगड़ा जब करते हैं तो हम अपने अभ्यास को ज्यादा मानते हैं, गुरु जी के विचार को नहीं मानता है मन, यही तो है, अभ्यास में चूक होती है। अन्यथा अभ्यास करते रहो, अरे वो अपने आप उतार लेगा, हमें तुम्हें तो कुछ करने ही नहीं है, हमें हमारी मैं को देह से उतार के आत्मा में टिका देगा, हमारे सच्चे स्वरूप में। इसीलिए हम तुम इतने ज्यादा प्यासे कि हम यहाँ आए ही सिर्फ इसीलिए, मनुष्य जन्म मिला भी इसीलिए, हमने बड़े कर्म अर्म करे होंगे या जो भी किया होगा, लेकिन उसमें हमारा काम नहीं बना, भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया, जब हम बहुत भटक लिए तो उसने दया करके हमें मनुष्य शरीर दिया, चलो ये आपकी बार इस पर कृपा करके दया करके जिसको ये वाहन दे देते हैं, इससे ही मेरे से मिल जाएगा, अपने घर में आ जाएगा, अपने सच्चे स्वरूप में टिक जाएगा। लेकिन क्या हम टिक रहे हैं, देख लो क्या चाहत है हम सबकी, अभी भी हम संसार में सुख की आशा कर रहे हैं, और सुख अपने अंदर है, आनंद अपने अंदर है, स्थिति परिस्थिति अच्छी से अच्छी हो वहां हम दुख निकाल लेते हैं, और खराब से खराब हो, लेकिन हमें गुरुजी ने अगर युक्ति बता दी है तो हम उसमें
क्या करते हैं, आनंद प्रकट कर लेते हैं, उसी स्थिति को बहुत अच्छा भी बना देता है गुरु हमारे अपनी सोच से। तो सारा सोच के ही तो चल रहा है, विचार ही तो है, ज्ञान का विचार ही तो है। ये तू ये शरीर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, गुरु जी ने कहा। ये वाहन है जिसके सहारा लेके हम तुम इस संसार में रमण करने आए हैं, और रमण करने के साथ साथ सजगता से अपने को आजाद करने आए। क्या आजादी ले रहे हैं या और बांध रहे हैं अपने को? मुझे बदकर्म की जंजीर तो गुरु जी बोलते हैं लोहे की जंजीर है, सत्कर्म की जंजीर तो सोने की जंजीर है। जो इतना अहंकार बढ़ा देती है हमारा तुम्हारा कि अफलातून हम समझ के अपने आप को वहीं हम राग द्वेष करने लगते हैं, वहीं हम तेरी मेरी करने लगते हैं, और हमें अपनी तरफ मन की तरफ निगाह ही नहीं होती, दर्शन ही नहीं हमारा उसका। तो कारण क्या है? धूल जमी है शीशे पर, विचार की धूल है, मैं तू की धूल है, भेद की धूल है। धूल ही तो साफ करते हैं गुरु जी, और क्या करना है गुरु जी, हम अच्छे से अच्छा कर बोले दासों का दास बनाते हैं अपने सेवक को। बोले जब कृपा होती है तभी दासों का दास बनाते हैं, तो हम तो बड़े खराब अपने को समझने लगते हैं कि हम तो कुछ है नहीं, हम तो दास बने रहे, सबका करते रहे, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। हम इतने अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमें गुरु जो है ना नजर क्यों देगा? वो नजर देता है भक्त को, और भक्ति हमसे तुमसे एकदम से छूट जाती है, फिसल जाती है। तभी बोला गया है साबुन की सीढ़ी है ये मार्ग, पांव सीढ़ी पे चलना कितना कठिन होता है, और कहीं साबुन उसमें पड़ा हो तो एक एक सेकंड में फिसलता है, पैर जमाना पड़ता है तब चढ़ना है। कहानियां बड़ी हमने सुनी है कि तेल कटोरा देके पूरा घुमा लिया दरबार में, और कहा एक बूंद तेल गिरे ना तो उसे, इसलिए कि तेरी चित्तवृत्ति भटके ना, सिर्फ इसमें गिरे ना। तो जब चित्तवृत्ति वहां अटक के रह गई कि गुरु का वचन है कि तेल एक बूंद भी टपके ना, और घूमो तो बोले सभा में कौन कैसा बैठा है दिखना ही बंद हो गया। क्योंकि बोला अब पूछा गुरु ने उससे भक्त से तेरा चित्त कहाँ गया, बोला कहीं ना गया गुरु जी, सिर्फ इसमें अटका रहा कि तेल का बूंद गिरे ना, लबालब भरा कटोरा था। तो बोले दिखना बंद कब होगा संसार? जब हमारी चित्तवृत्ति पूरी गुरु के विचार में लगी होगी। हमें तो राग द्वेष हो रहा है तेरी मेरी, और भयानक तरीके से हो रहा है, और हम समझ रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, प्रेमी हैं, इतनी भयानक तरीके से कि हमको अपने दर्शन ही खत्म हो गए, मन का दर्शन ही इतनी धूल जमा ली, सत्कर्म की हमने इतनी सेवा की कर ली धूल, ऐसा कि बोले हम और इतने गंदे दिखने लगे कि हमारे अंदर का सारा हमारे व्यक्तित्व में स्पेस पे आ गया, इतना ज्यादा हमारा स्वरूप से हम अपने अलग हो गए, दर्शन ही भूल गए। तब भी गुरु जी हम लोग को जगाते, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, ये अभी भी जगाने का ही काम कर रहे हैं हम लोग, जाग जाए। अभी भी हमारे हाथ में बाजी है, क्योंकि सांसें अभी स्तन में चल रही हैं,
तो बाजी अभी भी है ना हमारे यहाँ, लेकिन हम तो अपना सना पता नहीं कहाँ कहाँ खोने में लगे हुए हैं, और बड़े गाफिल हैं, विचार नहीं है कि किस गति में हमारी दिशा जा रही है मन की, किस तरफ हम जा रहे हैं, है विचार। एक भजन भी है गाफिल विचार, गाफिल मन विचार कर, तू कहाँ जा रहा है, तेरी कौन सी मंजिल है, तू जा कहाँ रहा है, भटक रहा है, भटक नहीं तो नहीं है, जागना है, सोना नहीं है, मोह की नींद में जागे सोए हुए हम लोग, बोले जागो जल्दी जल्दी जागो। रोम रोम ने गुरु बसालो, हो जाए कल्याण दे, रोम रोम ने गुरु बसालो, हो जाए कल्याण दे, बिना गुरु नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटता है अज्ञान रे, रोम रोम में गुरु बसा लो, गुरु हुए अवतरित धरा पर, जग का पालन करने को, गुरु हुए अवतरित धरा पर, जग का पालन करने को, मोह नींद में सोए जीवों का ज्ञान मिटाने को, मोह नींद में सोए जीवों का ज्ञान मिटाने को, जागो जागो बोले प्राणी, जागो जागो बोले प्राणी, आए गुरु जगाने रे, रोम रोम ने गुरु बसा लो, हो जाए कल्याण रे, बिना गुरु के नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटता है अज्ञान रे, रोम रोम के गुरु बसा लो, हो जाए कल्याण रे, ज्ञान दीप ले गुरु खड़े हैं, तिमिर तेरा रहने को, ज्ञान दीप ले गुरु खड़े हैं, तिमिर तेरा रहने को, तू भी झट ले लाभ दीप का, मन में उजाला करने को, तू भी झट ले लाभ दीप का, मन में उजाला करने को, गफलत में ना समय गवाओ, गफलत में ना समय गवाओ, रोम में गुरु रमा ले रे, रोम रोम में गुरु बसा लो, हो जाए कल्याण रे, बिना गुरु के नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटता है अज्ञान रे, रोम
यशु वैभव भी तभी मिलेगा मन में गुरु बसाने से, यशु वैभव तभी मिलेगा मन में गुरु बसाने से, जागो जागो बोले प्राणी, जागो जागो बोले प्राणी, आए गुरु जगाने रे, गुरु बसालो हो जाए कल्याण रे, बिना गुरु के नहीं किसी का, बिना गुरु के नहीं किसी का, मिटता है अज्ञान रे, बसालो जाए कल्याण रे, कैसा बता फसाना है गुरु, गुरु की मूर्त यहाँ पे याद रखनी नहीं, गुरु का विचार याद रखना, अपने विचार को त्याग देना। मूर्त तो याद है, मूर्त तो बेटे की भी याद है, मूर्त तो माँ की भी याद है, मूर्त तो पिता की भी याद है, भाई की भी याद है, पति की भी याद है, उस मूर्त ने सुख तो दिया नहीं, उस मूर्त में बंध के आसक्त तो और हो गए, एक मूर्त और गुरु जी की, अब हमने प्यार वाली अपनी जीवन में संबंध वाली बना ली, और अब उनसे हम प्यार करने लगे, जैसे 10 मेरे पहले थे, एक उसमें इजाफा कर लिया, और क्या करवाएंगे इसके अलावा, रोम में बसाया हुआ है क्योंकि दिल नस नस में गुरु जी समाये हुए हैं, कहाँ है, सूरत और मूरत बस अब हो गई, एक 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 इजाफा हो गया, एक और मैं कैंडिडेट बढ़ गया है मोह का, मेरी मैं तो वही की वही है, कहीं से कहीं तक हिली नहीं है मैं, मेरी मैं, और उसी में और ज्यादा ज्ञानी ध्यानी का लबादा उड़ लिया, ज्ञानी हो गया, आनंद कोसों दूर हमसे हो गया, शांति कोसों दूर हो गई हमसे, राग द्वेष मेरे और नजदीक आ गया है, मेरा अहंकार जो पहले ही मेरा सिर्फ इतना था कि मैं फलानी हूँ, ज्ञान के बाद गुरु जी मिलने के बाद तो हमने इसी अज्ञान को ही पोषित करते 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 नाम रूप को ही पोषित किया, कर्म कर करके सेवा कर करके खूब जो है ना उनकी बोले उनके बहुत ले दे के हमने क्या किया, अपने इसी अज्ञान को और पोषित कर लिया, अपनी मैं को और पोषित कर लिया, कुछ नहीं किया, अन्यथा एक कदम भी चले होते, एक कदम चले अगर है हम तो हमारे अंदर में शांति आ गई है, हमें अपनी स्वतंत्रता का एहसास हुआ है, यार हम तो छुट गए, छुट गए, अभी हम अनुभव की बात बता रहेंगे, कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं बता रहे, अभी इतनी तबीयत मेरी खराब, इतनी तबीयत खराब, और उस तबीयत में विचार था कि अगर जाएंगे तो अभी यहाँ भी शादी में रहना है, कैसे क्या करेंगे, लेकिन फिर बस एक गुरु जी का विचार मन में आया था, बोला किसी से नहीं था, क्या विचार आया था कि हम संसार के लिए भक्त के पास जा रहे, यहाँ तो भक्तों से मिलन है और भक्ति ही यहाँ ज्यादा रिश्ता प्रबल है, भौजाई तो बाद में, पहले भक्त है, दिमाग में ही आया था, और जिसका है वो भक्त है, जिसकी एनिवर्सरी है वो भक्त है, बस ये विचार आया तो उस पर वर्क करना शुरू कर दिया, बोले नहीं किसी से, और उसी लिए दूसरे दिन जैसे ही रात में ये विचार आया था, दूसरे दिन सत्संग में बैठ गए थे और सत्संग किया था पीछे करके अपने शरीर को, बहुत कष्ट,
बहुत अभी भी मेरे नहाते हैं तो एक अंग में दर्द होता है, इतना कष्ट है आज भी। एक भी जैसे बहुत कमजोरी है, गाल वाल जैसे ऐसा वो फूड पॉइजनिंग का हुआ है कि गाल वाल सब कटा हुआ है अंदर में, बहुत है। सूजन थी, चेहरा देखा है तो एक साइड सूजा हुआ लगता था, इधर का एक साइड सूजा हुआ दिखता था, सारा कुछ दिखा, सब दिखा, लेकिन निश्चय एक गुरु के विचार का हो गया कि नहीं करना है। कैसे ये आप जानो, हमें नहीं मालूम, संकल्प मेरा है उसको पूरा करना, साधन बनाना आपका काम है। मेरा तो कभी नहीं रहा करने ये, हमें साधन बनाना है, आपके विचार को अपनाना मेरा काम है, साधन आप सुलभ करते हैं, सारे साधन आप बनाते हैं। कैसे चले गए, कैसे स्वस्थ भी हो गए, धीरे धीरे हो रहे ग्रेजुअली, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ। यहाँ पड़े रह के तो पता नहीं क्या क्या तबीयत खराब हो जाती, हो सकता था रिश्तेदारी भी ना निभा पाते, तो बोले ना माया मिली ना राम वाली स्थिति में आते, और मुंह किसको दिखाते, संसार में नहीं दिखाना है। ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, दिखाना तो अपने गुरु को है, अंदर बाहर किसी को नहीं दिखाना कि क्या हो रहा है, क्या दिखावे का ये तो ज्ञानी नहीं है। यहाँ तो अंदर में इतने ऑनेस्ट होना है कि एक नजर भी उठा रहे हैं, एक हाथ भी अगर चला रहे हैं तो सोच में क्या है, नाम रूप ईश्वर, हाँ मन करके परे, मन दिख रहा है उससे बिल्कुल परे, क्योंकि अपने मन से परेशान तो तेरे मन के साथ मिलके क्या बड़े खुशी हो जाएंगे, मतलब ही नहीं है, एक एक मिलके तो ग्यारह होते हैं, बिल्कुल नहीं उस मन के साथ मिलना है, कोई जरूरत नहीं है, चाहे अहंकारी कहो या कुछ भी कहो चलेगा, लेकिन हाँ गुरु के विचार के साथ जब हम दोनों मिलते हैं, हम सब मिलते हैं, तो एक रंग का कितना, एक सुर में जब वाद्य बजते हैं, कभी देखा है कोई गाड़ा होता है, कोई तबला होता है, कोई मजीरा होता है, कोई तानपुरा होता है, कोई इंग्लिश कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कहीं ढोलक होती है, हजारों इंस्ट्रूमेंट जो है, और जब एक सुर में बजते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, उसमें एक सुर भी अगर बेसुरा होता है तो उस तरफ आंख चली जाती है। ये रविशंकर का जब हुआ था उनका इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम, तो वहां देखा था हम लोगों ने, महसूस किया था सब, कितना अच्छा लग रहा था क्योंकि सब एक सुर में वाद्य बज रहे हैं। तो क्या हम एक सुर में बेसुरे हैं, तेरा सुर अलग मेरा सुर अलग, और आनंद हम चाह रहे हैं, गुरु का सुर अलग है मेरा सुर अलग है, भक्तों का सुर अलग है मेरा सुर अलग है, मैं फलाना हूँ बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं अलग सुर, बोले आनंद क्यों नहीं है जीवन में, इसीलिए तो नहीं है, भक्तों से सीखते हैं, अरे यार कैसे झुके हैं, कैसे जो कहते नहीं है कहावते नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, जो जितना ऊंचा होता है वो उतना झुका होता है, और जो जितना पेड़ खजूर जैसा है फल देने कहाँ पे होता है, छाया किसी को मिली नहीं थी, हम सोच रहे हमसे छाया मिली है हमारे घर वालों को या हमारे, हम उतने तने वो खड़े अहंकार में और कुछ नहीं। कभी दर्शन करा है मन का, अपने लिए हमें बोलना पड़ता है कि हमें ये सुख दो, क्यों वो ईश्वर इतना अंधा बहरा गूंगा है, कभी प्रकट किया है उसको, वो तो सब देता है यार, देखता ही नहीं है कि हमने क्या गुनाह करे। अजामिल गणिका तो छोड़ दो, हम अपने अपने आप को देख ले, हम कितने पाप करते रहते हैं, नाम रूप लेके छोटा बड़ा भूल के, अपना रोल भूल के कि हमें इस रोल में कैसा है, भले वो सामने वाला गलत है, लेकिन हम अपने तो रोल सही करें कि हम इज्जत से बात करें,
मेरे सामने, मेरे सामने बहुत बड़ा है, उम्र से बड़ा है, हमारे सामने हमारा अतिथि है, हमारे सामने हमारा बाप खड़ा है, हमारे सामने हमारी माँ खड़ी है, हमारे सामने हमारा गुरु खड़ा है, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे भक्त खड़े हैं, वो इतने नम्र हैं, हम उनसे इतने खड़े हैं, ऐसे जैसे हम कौन हो गए पता नहीं, किसमें खड़े हैं। बुद्धि के अज्ञान में, बुद्धि तो अर्पण करनी और करना ही, अज्ञान बुद्धि का, बुद्धि से तो चलती है हमारी आत्मा, बुद्धि को तो सरेंडर करना है, किसको सरेंडर करना है, अब कब करना है, जब हम लोग साथ करते हैं, जिस जगह भी अभ्यास तो यही, अपने अपने कर्म क्षेत्र में कृष्ण को प्रकट करो, अपने गुरु को प्रकट करते रहो, देखो अभ्यास है और एक प्रयोग है, करके देखो, उल्टा मिले सीधा मिले ना मिले, बोले भूखा रखे भजन ना गाओ, भूखा रखे तो शांत रहो, सूखा रखे तो शांत रहो, और सोचो इसी में भलाई है। गाना बड़ा आसान है, रजा में राजी रहने की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन रजा में राजी रहना बड़ा कठिन है। अरे इतना इतना हो गया, वो धोबी का कुत्ता धोबी बन जाते हैं, वो धोबी वाली कहानी की तरह, धोबी एक संत जा रहा था रास्ते में, धोबी ने कपड़े फैलाए हुए थे, इत्तेफाक से अपनी धुन में था, कपड़ों पर पैर पड़ गया, धोबी ने तो देखा, अरे उसके तो रोजी रोटी का मामला, उसने देखा कि संत ऐसे गए, बड़ा गुस्सा किया, और वो संत बेचारा चुप रहा था, बहुत चुप रहा, बहुत चुप रहा, कि अरे गलती हो गई, माफी भी मांगता रहा, गलती हो गई, लेकिन धोबी का गुस्सा कैसे शांति नहीं हो रहा था, धोबी जब उसको मौन देखा ना कुछ बोलते, और उसे गुस्सा आ गया, तो उसने डंडा उठा लिया, जैसे डंडा उठाया तो भगवान जो है खाना खा रहे थे वैकुंठ में बैठे हुए, और मुंह में लेने जा रहे थे, एकदम से उठ के भागे, वो वाइट अपना नीचे रख दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे कहाँ जा रहा, बोले अभी आता हूँ, और दहलीज तक दरवाजे तक गए और फिर लौट के आके खाने लगे, बोले उतावले होकर तो ऐसे भागे थे, लक्ष्मी जी बोली जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे थे, लेकिन कितने शांत होके आप खाना खाने लगे, क्या हुआ, बोले जा रहा था भक्त को बचाने, अब तो दुर्गोभी लड़ रहे, सब्र का बांध टूट गया, मैं इतना सह रहा हूँ सह रहा हूँ सह रहा हूँ, मुझे गाली ही दिया जा रहा है, यार डंडा उठा लिया तो उसने भी एक डंडा उठा लिया, संत ने भी डंडा उठा लिया, मुझे इतनी देर से मैं सह रहा हूँ समझ में नहीं आता, मैं डंडा उठाता हूँ, तो क्या हम सह रहे हैं, हम वही संत तो नहीं है। वास्तव में हम वही संत है, हम सह रहे हैं बहुत, भगवान अंधा बहरा गूंगा है, हमारे कर्मों को उसने देखा नहीं है, वो हमें हमारे हिसाब से नहीं दे रहा है, हमारी उसने त्याग बैराग को समझा ही नहीं, हमारे प्यार को समझा ही नहीं है उसने, इतना मूर्ख और मूढ़ वो है, तो हम गए क्यों उसके पास, जरूर सोचना, ये बुद्धि से हम भगवान को चेक कर रहे हैं कि समर्पण से, उसका उसकी तरफ हम जा रहे हैं, समर्पण से मिलता है समर्पण, जैसा वो हमें चला रहा है वैसा चलने से, हम अपना हमें मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इंद्रियों पर कोई काबू किया है इसे इंद्री पे, गांधी जी के तीन बंदर बड़े याद रहे थे,
ना देख बुरा, ना सुन बुरा, ना बोल बुरा। हम सुनते भी बुरा है, देखते भी बुरा है, इसलिए बोलते भी बुरा है। किससे सुनाए क्या चखा जिसने, वही जाने चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने। कहीं किससे सुनाए क्या चखा जिसने, वही जाने ये चकमक यूं न जलती है न ज्योति यूं दमकती है। ये चकमक यूं न जलती है न ज्योति दमकती है। बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है। बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है, न बातों से बदलती है। जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। कहीं किससे सुनाए क्या चखा जिसने, वही जाने। मेरे गुरुदेव ने मुझको पिलाया जाम उस रस का। गुरुदेव ने मुझको पिलाया जाम इस रस का। भरा भंडार था जिसमें दिखाया मार्ग उस घर का। भरा भंडार था जिसमें दिखाया मार्ग उस घर का। दिखाया मार्ग उस घर का, महक उसकी नशा उसका। चखा जिसने वही जाने, महक उसकी नशा उसका। किया जिसने वही जाने। सुनाए क्या चखा जिसने, वही जाने। जो लोगों को जमाने की बहारों में मजा
कभी इस जग को चमकाने कहे किस से सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने चाहे कोई करे ज्ञानी या पागल ही भले माने कहे किस से सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने। चखने के बाद क्या है आत्म रस का थोड़ा सा गुरु जी के विचार को अपनाया तो वो जरा सा रस मिला बोले उसमें ही तो सारा संसार आसक्ति से फीका है। एक आसक्ति ईश्वर ने पूरी करता है और अन्यथा प्रभुमय है हर चिंतन को प्रकट दिखाई देता है आनंद ही आनंद है भले कैसे भी नरक में हो। उसके साथ की ठंडक होती है भक्त के अंदर कि वो मेरा है जिस भी हाल में रख रहा है ये हाल मेरे लिए अच्छा है कैसा भी दुख है उसका उस हाल में कष्ट है ऐसा नहीं कि शारीरिक शरीर में है तो सीमा में है कष्ट होता है शरीर का कष्ट व्यापता है लेकिन उसमें भी बड़ा इत्मीनान है कि वो है ये ऐसा कैसे कहे कैसे बताएं बता नहीं सकते चले तो स्वयं जान सकते कि वो कैसे अंदर में अपना विश्वास दिलाता है अपने होने का एहसास बताता है कि तू मेरे मार्ग पर चल कर तो देख चल ये मार्ग क्या है विचारी तो था संसार में तो सभी जाते हैं संसार के लिए ठीक रखना है अपने शरीर को क्योंकि अभी इतने दिन का है बहुत तभी कौन है भगवान ही तो है हम लोग तो हम भक्ति के लिए अगर वही कर्म है वही है सब खाना पीना वही पहनना ओढ़ना है वही बरतना है लेकिन उद्देश्य क्या है भक्तों का साथ भक्त के लिए वो तो आस लगाए कोई तो आस संसारी तो आस भी नहीं है सिर्फ व्यवहार निभाने के लिए लेकिन भक्त तो आस लगाते हैं। तो बोले जब हम गुरु के विचार के साथ मिलते हैं तो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे कैसे शरीर कहाँ कैसे रखना है कैसे इसे क्या देना है क्या इसके साथ करना है हमारी चिंता मिट जाती है हमारे चिंता वो करने लगते हैं। बोले और वो सब जगह व्याप्त हैं उन्हें प्रकट तो करो हम तो प्रकट करके रहते हैं नाम रूप न मैं मेरे हैं और उन्हीं में मुंह से उन्हें धूसते रहेंगे ऐसे नहीं हो पलाने नहीं हो ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए हमें अपने अच्छे कहाँ लगते हैं हमें परमात्मा क्योंकि अच्छे तो नहीं लगेंगे मैं मेरे से लेकिन कब अच्छे लगेंगे जब हम परमात्मा प्रकट कर लेते हैं या मुंह से इतने अच्छे लगते हैं कि दूसरा कोई नहीं अच्छा लगता है अरे मैं अवगुण निकालने लगते हैं और अपनों के अवगुणों को भी गुणों में परिवर्तित करने की हमारे अंदर क्षमता है अवगुणों को भी कोई एक बुद्धि से क्योंकि तो ताकत है आत्मा में जहां लगाई हुई है वो बुद्धि बता देगी ये कार्य भी सही अब कर रहा है महाराज जो कर रहा है लेकिन गुरु के विचार को सही नहीं मानते क्योंकि हमारी बुद्धि की प्रखर सोच है बड़ी उसकी सोच में रहते हैं काम अपनी मैं से हटे हैं जो हमें सच्ची शांति मिले आनंद मिले प्रेम सब कुछ बोले यही तो है उतरो उतरो बार बार उतरो
जुड़े किससे? गुरु के विचार से, इसी को समर्पण बुद्धि वारना कहते हैं, बुद्धि चढ़ाना चढ़ाना पड़ेगा। क्या टाइम होने वाला है? 32 हो गया, बिल्कुल सही समय।